प्रदेश में नगर निगम चुनावों के लिए आचार संहिता शनिवार शाम से लागू कर दी गई है। निर्वाचन आयुक्त राम लोभाया ने शनिवार को जयपुर में चुनावों की घोषणा की। इस दौरान 1 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी, 5 अगस्त को नामांकन दाखिल होंगे, 6 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच, 8 और 9 अगस्त को नाम वापसी, 17 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, 20 अगस्त को मतगणना होगी, 21 अगस्त को निकाय अध्यक्षों का चुनाव, 22 अगस्त को उपाध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त राम लोभाया ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में 129 नगर निकायों के लिए चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव के लिए 1 अगस्त को लोक सूचना जारी कर दी जाएगी। राम लोभाया ने बताया कि 129 निकायों के आम चुनाव कराने के लिए 20 जुलाई को अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन भी कर दिया गया। छात्र संघ चुनावों का रंग अब कॉलेज कैंपस में नजर आने लगा है। एनएसयूआई ने पहल करते हुए छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। छात्र संघ चुनाव को दिशा देने के लिए एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिदान सिंह चारण को अजमेर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शनिवार को अजमेर पहुंचे हरिदान सिंह चारण का एनएसयूआई ने भव्य स्वागत किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय पहुंचते ही चारण और एनएसयूआई शहर अध्यक्ष दिवेंद्र सिंह जादौन को मालाओं से लाद दिया। उत्साही कार्यकर्ताओं ने ढोल ढमाकों के साथ राजकीय महाविद्यालय में रैली निकाली। इस अवसर पर एनएसयूआई की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। चारण ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। चारण ने आरोप लगाया कि तकनीकी शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ की शह पर खुलेआम शिक्षा का कारोबार किया जा रहा है। चारण ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लीक हुए पेपर का हवाला देते हुए मांग की है कि कालीचरण सर्राफ पहले अपने पद से इस्तीफा दें, साथ ही विवादित पॉलिटेक्निक परीक्षा को निरस्त किया जाए। सवा साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के नौजवानों से ये कह के वोट लिया कि जो सरकार आएगी वो नौजवानों के हित में रहेगी, बेरोजगारी मिटेगी। आज राजस्थान के हालात ये हैं कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड के जो पेपर, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पेपर है, वो मार्केट में 2,000-3,000 तकनीकी शिक्षा मंत्री के दलाल, उसने हर जिले में अपने दलाल सक्रिय कर रखे हैं। 2,000 से लेकर 10,000 तक के पेपर बिक रहे हैं। तो जो ये, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि दूसरा व्यापम इस राजस्थान में फैल रहा है, जिसमें जो छिपी हुई प्रतिभा है वो तो बेचारी पीछे जा रही है, और जो कुछ नहीं है, जो बड़े रसूखदारों के बेटे हैं, वो पेपर खरीद के आज इस जो शिक्षा जो है, शिक्षा जगत को बदनाम कर रहे हैं। आज एनएसयूआई की तरफ से जो टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, राजकीय पॉलिटेक्निक में जो पेपर बिक्री हो रहे हैं, सरकार से हमारी ये मांग है और हम ये चाहते हैं कि केवल यही उपाय बच गया पैसा कमाने का। तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं जो पेपर खुले आम बट रहे हैं। मेरे पास लोगों के फोन आ रहे हैं कि भैया इधर पेपर मिल रहे हैं, उधर पेपर मिल रहे हैं, तो बच्चा जो मेहनत करके पूरे साल मेहनत करता है और उसे लास्ट में एक दूसरा बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत नहीं करी, दूसरे को पेपर मिल जाते हैं, तो ऐसे शिक्षा का पतन निश्चित है इस तरीके से। तो कॉलेजेस हैं जितने राजस्थान के, जिनका जो पेपर लीक हुआ है, जो कल पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक पर हमारी एनएसयूआई संगठन की सीधे ये मांग है कि उस पेपर को खारिज किया जाए, वो पेपर पुनः किया जाए। और जो तकनीकी शिक्षा जो मंत्री हैं कालीचरण सर्राफ, जो वसुंधरा राजे हैं, उनके सरकार के अंदर जो बार बार इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है, कभी व्यापम जो घोटाले हो रहे हैं, कभी कोई पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई दलालों के थ्रू पेपर बिक रहे हैं, तो इन तरीके की चीजों का हम एनएसयूआई संगठन पूरा विरोध करते हैं।